तो आखिर 1979 में ऐसा क्या हुआ था जिसने एक मॉडर्न वेस्टर्नाइज्ड ईरान को एक कंजर्वेटिव इस्लामिक कंट्री में बदल दिया था? हेलो एंड वेलकम बैक टू लोको फैक्ट्स। मेरा नाम है सुमेर और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ईरान के बारे में कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। तो आइए ईरान का मैप देखते हैं। ईरान एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जिसके नेबर्स हैं कुवैत, यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, इराक, टर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान। अब जो 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन था ईरान में, उसे अच्छे से समझने के लिए हमें ईरान की हिस्ट्री को अच्छे से समझना होगा। दोस्तों, ईरान का पुराना नाम था पर्शिया और पर्शिया में इस्लाम के आने से पहले वहां पर लोग ज़ोरास्ट्रियंस थे। जो आज हम पारसी लोगों को देखते हैं इंडिया में, वो पारसी उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि ऋग्वेद में जो बैटल ऑफ 10 किंग्स का जिक्र है, उनमें से जो 9 किंग्स को एग्जाइल कर दिया गया था भारत से, उनमें से एक क्लैन था पारसू क्लैन, जो कि ये पर्शियंस ही हैं। 2006 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी 300 में एक पर्शियन किंग ज़र्क्सीस को दिखाया गया है। अब इस मूवी में ज़र्क्सीस को एक लंबा, टकला और एक औरतों जैसा दिखने वाला आदमी दिखाया है, जो कि बहुत सारी ज्वेलरी पता नहीं कहां कहां पहनता था, लेकिन असलियत में ये कुछ इस तरह के दिखते थे। और इनका नाम ज़र्क्सीस नहीं था, ज़र्क्सीस तो एक ग्रीक नाम है। इनका जो असली नाम था, एक पर्शियन नाम था, वो था क्षायरशा, और ये एक संस्कृत नाम भी था। जैसे पुरुषोत्तम को पोरस बोला जाता है ग्रीक में, और हमारी बुक्स में भी पुरुषोत्तम की जगह पोरस लिखा जाता है। आजकल मेरे हिसाब से शायद वो ब्रैकेट में पोरस लिखने लगे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर 7th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में यहाँ सुन्नी इस्लाम में बहुत कन्वर्जन्स हुए। कुछ फोर्स थे, कुछ वॉलेंटरी थे, लेकिन जो लोग कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे वो इंडिया भाग आए। और आज बहुत सारे पॉपुलर फिगर्स जिनको हम जानते हैं, उनके एंसेस्टर्स पारस यानी कि पर्शिया से ही यहाँ आए थे। जैसे दोराबजी टाटा, जमशेद जी टाटा, रतन टाटा, दादा भाई नरोजी, बमन ईरानी, होमी जहांगीर भाभा, फिरोज गांधी, साइरस पलुंजी मिस्त्री, अर्दशीर गोदरेज, लवजी नसरवानजी वाडिया, साइरस पूनावाला, फेरोजे शाह मेहता और भी बहुत से लोग। तो 1501 से लेकर 1736 के बीच में सफाविद डायनेस्टी पावर में आती है, और पावर में आते ही ये शिया इस्लाम को ईरान का डीफैक्टो स्टेट रिलीजन बना देते हैं। और आज ईरान में जितने भी इम्पोर्टेंट मस्जिद हैं, जो वहाँ का आर्किटेक्चर है और जो वहाँ का कल्चर है, वो सब इस सफाविद डायनेस्टी से ही इन्फ्लुएंस्ड है। तो 1785 में कजार डायनेस्टी पावर में आती है, और इनकी डायनेस्टी में उलेमा, जो कि इस्लामिक लॉज और थियोलॉजी का नॉलेज रखते हैं, उन्हें पॉलिटिकल पावर दे दिया गया था। तो 1906 में कजार डायनेस्टी के रूलर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट कर लिया। अब उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं रह गया कि भाई ये चीज़ होनी है तो होनी है, क्योंकि उनको बाकी लोगों की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे ब्रिटेन में राजा और रानी तो रहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी रहता है, वहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं। लेकिन ये फेल हो गया, क्योंकि उलेमा जो पहले इनका समर्थन कर रहे थे, वो बाद में अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ईरान में तेल की खोज हो जाती है, और इस वजह से ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के बीच में एक पावर प्ले चालू हो जाता है कि आखिर ईरान के तेल पे किसका हक होगा। फाइनली ब्रिटेन इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, और वर्ल्ड वॉर वन के बाद ईरान का पूरा तेल ब्रिटेन निकालने लगता है, और उन्होंने एक कंपनी भी बनाई, एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, जिसे आज बीपी यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है। तो ईरान के जो आर्मी जनरल थे रेजा खान, वो ब्रिटिशर्स के साथ एक डील करते हैं। वो ब्रिटिशर्स को बोलते हैं कि भाई आप मुझे शाह बना दो ईरान का, और उसके बदले में ऑयल का पूरा कंट्रोल आपका, आपको जब जितना जैसा ऑयल निकालना है आप निकालो, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर रेजा खान कजार डायनेस्टी के शाह को हटाते हुए अपने आप को नया शाह घोषित कर देते हैं ईरान का, और इसी के साथ पहलावी डायनेस्टी की शुरुआत होती है।
सत्ता में आते ही रजा खान ने सेकुलरिज्म घोषित कर दिया था ईरान में, और अब फिर से शिया इस्लाम डिफेक्टो स्टेट रिलीजन नहीं रह गया था। ये एक तानाशाह की तरह रूल करते थे और उलेमा इनके खिलाफ हो गए थे क्योंकि इन्होंने सेकुलरिज्म ले आया था देश में। लेकिन अपने तानाशाही रवैये से इन्होंने उलेमाओं को भी दबा कर रखा और पूरे देश में अपना एक छत्र राज बना कर रखा। तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इनकी अंग्रेजों से नहीं बनी, क्योंकि ब्रिटेन को ऐसा लगता था कि ये थोड़ा थोड़ा सोवियत यूनियन की तरफ झुक रहे हैं और हो सकता है आगे जाके ये उनसे मिल जाएं, तो ब्रिटेन ये नहीं चाहता था। हालांकि वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन और सोवियत यूनियन दोनों एक ही टीम से वॉर लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों ने 1941 में एक तख्ता पलट किया और रजा खान के 22 साल के बेटे मोहम्मद रजा शाह को नया शाह बना दिया ईरान का। और सत्ता में आते ही मोहम्मद रजा शाह ने डेमोक्रेसी को इंक्रीज किया और उसी के चलते 1951 में इलेक्शंस हुए जिसमें मोहम्मद मोजादेक प्राइम मिनिस्टर बन गए ईरान के, और उन्होंने ऑयल को नेशनलाइज कर दिया, यानी कि जो कंट्रोल ऑयल का ब्रिटेन के पास था अब वो ईरान की गवर्नमेंट के पास वापस आ गया। अब ये ब्रिटेन को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, क्योंकि पहलावी डायनेस्टी को ब्रिटेन ने इसलिए सत्ता में बैठाया था ताकि ऑयल का पूरा कंट्रोल किसके पास रहे, ब्रिटेन के पास। तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 और अमेरिका के CIA ने मिलके एक तख्ता पलट किया और 1953 में मोहम्मद मोजादेक को सत्ता से हटाकर पूरा पावर वापस शाह को दे दिया और उन्हें कहा कि अब आप थोड़ा तानाशाह बन जाओ, आप अपने मन से प्राइम मिनिस्टर चूज करो, लेकिन ऑयल का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, ब्रिटेन के पास। लेकिन 1960s में शाह ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए जिसकी वजह से देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ। ऑयल इंडस्ट्री बूम पे थी और अब तेल का कुछ हिस्सा ईरान के पास भी आने लगा था। कोल्ड वॉर के समय ईरान US का एक क्लोज अलाई बन गया था और ये धीरे धीरे वेस्टर्न पावर्स के बहुत करीब हो गया था। तो मोहम्मद रजा शाह की एक ऐसी इमेज बनी थी कि ये वेस्टर्नाइजेशन लेके आ रहे हैं ईरान में, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया था, लड़कियों को स्कूल्स और कॉलेजेस जाने के लिए मोटिवेट किया था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट खोला था। तो जब ये इन इंस्टीट्यूट्स को खोल रहे थे तब जो ईरान के कंजर्वेटिव लोग थे उनको लग रहा था कि यार ये तो ईरान को वेस्टर्नाइज कर रहे हैं। इन लोगों के लीडर थे आयतुल्ला रोहल्ला खोमेनी, जिसमें आयतुल्ला इनकी रिलीजियस उपाधि थी और रोहल्ला खोमेनी इनका नाम। तो ये एक रिलीजियस लीडर थे ईरान के और खोमेनी इन रिफॉर्म्स के खिलाफ थे, मेनली ये वुमेन राइट्स के खिलाफ थे, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जा रहा था, उन्हें वोट डालने दिया जा रहा था। तो इन्हें लगता था कि शाह इलेक्शंस को रिग करते हैं, वो जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो वोट देने का कोई मतलब नहीं है। और इनका कहना था कि शाह कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, वो जो चाहे वो बदलाव कर देते हैं, तो ये अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। और इन रिफॉर्म्स के शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही आयतुल्ला रोहल्ला खोमेनी 1963 में शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए शाह ने इनको अरेस्ट कर लिया था और जब ये जेल से छूटकर बाहर निकले तब इन्हें बोल दिया गया कि अब आप इस देश में नहीं रह सकते, आपको ईरान से कहीं और जाना होगा। तो आयतुल्ला रोहल्ला खोमेनी ईरान से इराक चले जाते हैं। अब इराक एक शिया मेजोरिटी कंट्री है और ईरान और इराक दोनों ही एक शिया मेजोरिटी कंट्री है, लेकिन ये वहाँ जाने के बाद भी अपने भाषणों को कंटिन्यू रखते हैं, ये शाह के खिलाफ बहुत सारी स्पीचेस देते हैं और ये स्पीचेस ईरान में भी लोग सुनते हैं, और जो शाह के खिलाफ रहते हैं और जो कंजर्वेटिव क्लास रहते हैं ये उनके लीडर बन जाते हैं। लेकिन शाह इराकी गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के आयतुल्ला रोहल्ला खोमेनी को इराक से फ्रांस भेज देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस क्रांति की जो 1978 से 79 के बीच में हुई थी।
बहुत बहुत सारे लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करने उतर गए थे और वर्ल्ड लेवल पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यार अचानक से ये ईरान में क्या हो गया, इतने सारे लोग आखिर प्रोटेस्ट करने कैसे उतर गए सड़कों पे। तो हिस्टोरियंस ने कई बार इस पे डिस्कशन किया और 20-30 सालों में जो कारण उभर के आए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ईरान के लोगों का मानना था कि शाह की सरकार करप्ट थी और जो तेल से बेनिफिट आ रहा था वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा था। हाँ, उससे डेवलपमेंट हुआ, हाईवेज बने, रोड बनी, स्कूल यूनिवर्सिटी, इन सब में पैसा जा रहा था, लेकिन गरीब लोगों को अभी भी खाने की दिक्कत थी, उनके पास नौकरी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था। एक तरफ तो लोग यूनिवर्सिटीज से पढ़ पढ़ के निकल रहे थे और दूसरी तरफ उनके पास नौकरी नहीं थी, उससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही थी। शाह जो वेस्टर्न कल्चर ला रहे थे ईरान में वो वहाँ के कंजर्वेटिव क्लास यानी कि रूढ़ीवादी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। लोगों को ऐसा लगता था कि अमेरिका ईरान को अपना गुलाम बनाकर रख रहा है। तो जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे तब लोग ये नहीं चाहते थे कि ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बने। तो अब बात कर लेते हैं इस रेवोल्यूशन के इवेंट्स की। तो 1975 में शाह ने अपने ओपोनेंट पार्टीज को एबॉलिश कर दिया, उनको खत्म कर दिया। अब सिर्फ एक पार्टी रहेगी ईरान में, वो थी रिसर्जेंस पार्टी, जो शाह की खुद की पार्टी थी। फिर इन्होंने मीडिया पे सेंसरशिप इम्पोज कर दिया, यानी कि अब जो टीवी पे दिखाया जाएगा या रेडियो पे सुनाया जाएगा वो इनके विरोध में नहीं रहेगा। तो शाह ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया था और उसी समय इंडिया में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी और उसके तहत बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उस समय यहां पे भी अरेस्ट किया जा रहा था। फिर अक्टूबर 1977 में प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है और इस प्रोटेस्ट में मेनली स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था। फिर 6 जनवरी 1978 में खोमेनी को क्रिटिसाइज करते हुए एक आर्टिकल छपता है और इसके बाद जो खोमेनी के सपोर्टर्स थे और जो रिलीजियस कंजर्वेटिव लोग थे वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इन प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और इसके बाद पुलिस और आर्मी मिलके इन प्रोटेस्ट को क्रैक डाउन करने की कोशिश करती है, इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन ये प्रोटेस्ट बढ़ते ही चले जाता है। एक साइकिल की तरह था कि अगर 5 लोगों की इन प्रोटेस्ट में डेथ होती थी तो 100 लोग और आ जाते थे, अगर 10 लोगों की होती थी तो 1000 लोग और आ जाते थे। तो ये प्रोटेस्ट बढ़ते ही जा रहे थे। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने शाह को बोला था कि अगर आपको किसी भी तरह की मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए हो तो आप हमारे ऊपर रिलाय कर सकते हो, हम आपकी मदद कर देंगे। तो वहां के लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि ईरान के इंटरनल मैटर में यूएस का क्या काम है। तो सितंबर 1978 में शाह ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था ईरान में, तो अब जो लोगों की बेसिक सिविल राइट्स है वो खत्म हो चुकी थी। पूरे देश में स्ट्राइक्स और सिविल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा था और जो वर्कर्स थे वो खुद भी स्ट्राइक करके इन प्रोटेस्ट में शामिल होने लगे थे। तो देश पूरी तरह से ठप हो गया था, कोई भी काम धाम देश में नहीं हो रहा था, जिससे इकोनॉमी एक तरह से थम गई थी ईरान की। फिर दिसंबर में मुहर्रम आता है और मुहर्रम में ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है शाह के खिलाफ। फिर 16 जनवरी 1979 में शाह मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूएस चले जाते हैं। तो ईरान के लोगों को इस बात का यकीन हो जाता है कि यार ये शाह एक पपेट थे यूएस के, लेकिन शाह को सही में उस समय कैंसर हुआ रहता है और वो उस ट्रीटमेंट के लिए यूएस जाते हैं, लेकिन अब शाह वापस नहीं आने वाले थे ईरान में। 1 फरवरी 1979 में खोमेनी अपने 14 साल के वनवास से वापस लौटते हैं ईरान में और उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है सड़कों पे। दोस्तों, हमने शाह को तो हटा दिया है लेकिन अभी रेवोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है। फिर अप्रैल 1979 में नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वोट डाला जाता है और आपको जान के हैरानी होगी कि 98% ईरान के लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्ट में वोट किया था। तो इसके तहत अब ईरान एक इस्लामिक कंट्री ऑफिशियली बन चुका था।
अब यहाँ पर वोटिंग भी होगी, यहाँ पर अब पार्लियामेंट भी रहेगी और यहाँ पर प्रेसिडेंट भी चुने जाएंगे, लेकिन इन सब के ऊपर एक सुप्रीम लीडर की पोजीशन होगी जो सरकार के कोई भी कानून को बदल सकते हैं। अब क्योंकि ईरान एक इस्लामिक कंट्री ऑफिशियली बन गया था तो यहाँ शरिया लॉ तो होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर शिया रिलीजन के हिसाब से जाफरी शरिया लॉ को अप्लाई किया जाता है। इस दुनिया में हर देश का एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न को हम उस देश की हिस्ट्री को पढ़कर समझ सकते हैं। ईरान में तख्ता पलट होना बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो इस चीज़ से सुप्रीम लीडर को बचाने के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की स्थापना की जाती है जो आगे होने वाले तख्ता पलट से नई सरकार को बचा के रखेगा। 4 नवंबर 1979 में एक अमेरिकन हॉस्टेज क्राइसिस होता है ईरान में। बहुत सारे ईरानियन स्टूडेंट्स यूएस की एम्बेसी जो कि तेहरान ईरान में थी वहां घुसकर 52 यानी कि 52 लोगों को कैदी बना लेते हैं और ये डिमांड करते हैं कि शाह को यूएस से ईरान भेजा जाए। लेकिन दिसंबर 1979 में शाह यूएस से इजिप्ट चले जाते हैं जहां उनकी जुलाई 1980 में डेथ हो जाती है। अब क्योंकि शाह की डेथ हो गई तो जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे वो तो यूएस फुलफिल कर ही नहीं सकता है, तो अल्जीरिया ने इन दोनों देशों के बीच में एक मध्यस्थता कराया था और वहां पर अल्जीयर्स अकॉर्ड साइन हुए थे जिसके तहत इन 52 लोगों को छोड़ दिया गया था और ये 52 हॉस्टेजेस वहां पर 444 दिन के लिए कैद में थे। इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर प्लस जर्मनी ईरान पे बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देते हैं जिसकी वजह से ईरान की जो इकोनॉमी थी वो डाउनफॉल पे चले जाती है। फिर 2015 में एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देता है और उसके ऊपर लगे सारे सैंक्शंस को हटा दिया जाता है, तो अब कोई भी ईरान के साथ डील और ट्रेड कर सकता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे या ना लगे उसे लाइक करो, नए हो या पुराने हो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। तो यार फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।